समय के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं भीख में, खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ जेल में जाएंगे आप। मैं अड्याले की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे इस्तीफा की बात कर। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। बुझाए आपको शर्म आए, आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं गारंटी से कहता हूं इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी कि आप कोई मुगले आजम है? सबकी रिक्वेस्ट ये है कि ये फैसला जल्दी करें। किसी फर्द को ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जिस दिन फैसला आया मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा, और फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अवाम में खुश आमदेद, मैं हूँ मुर्तजा सोलंगी। 20 अप्रैल को जिस 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया था, जिसकी बिना पर एक अमल दरामद बेंच बना था, वही बेंच, 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं, कल सुबह 11:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे पानामा केस के हवाले से। जो सवाल है वो ये है कि अगर वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला भी उस फैसले में शामिल है तो उसके मुल्क पर क्या असरात होंगे। इस केस के हवाले से मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज़ कानूनदान भी शरीक होंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जाहिद जमील, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे थोड़ी देर में जनाब अली अहमद कुर्द भी, और सीनियर कानूनदान और साबिक जज जस्टिस नासिर असलम जाहिद भी। लेकिन हम सीधे चलते हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार तलत हुसैन के पास। तलत हुसैन साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तलत साहब, पाकिस्तान जो बहरानों और ख़बरों के हवाले से जरखेज़ है, कुछ देर पहले तो हम ये सोच रहे थे कि बात करेंगे कि चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल पैगाम क्या है, लेकिन अब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से आया या उस हवाले से ये आया कि नाअहली नहीं होगी, तो मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे। शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी खबर है कि 5 रुकनी बेंच जो है फैसले को सुनाएगा, उसका ताल्लुक जाहिर है चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी है, और चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी है। चौधरी निसार जाहिर है मालूमात रखते हैं, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला ऐसे ही नहीं किया। इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर से खबर ये बाहर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो कल फैसला सुनाएगा, तो चौधरी साहब ने टाइमिंग अपने हवाले से चूज की है। अब जो 5 रुकनी बेंच है, मैं तो मेरे ख्याल में हम सबको जो टॉक शोज करते हैं तजिया करते हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि हम जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। बुनियादी सवाल अब हमें पता चला ये था कि 5 रुकनी बेंच जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है। अगरचि हमने कोशिश की थी मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर और दूसरे साथियों को भी हमने देखा कि वो ये कुरेदना चाहते थे, लेकिन जो कानूनी राय है वो इसके ऊपर बटी हुई थी। नून लीग के अंदर कम से कम ये गुमान पाया जाता था कि जो फैसला आएगा वो 3 रुकनी बेंच ही करेगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि 5 रुकनी बेंच करेगा। उस 5 रुकनी बेंच के अंदर 2 जज साहबान ने अपना माइंड जो है वो GIT की रिपोर्ट से पहले ही बता दिया और डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने कह दिया। तो अगर बेंच वही है और बेंच के 2 जज साहबान ने GIT की रिपोर्ट का मुताला नहीं किया क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का ऐसा नहीं थे, तो जाहिर है वो अपनी राय से कैसे हटेंगे, और अगर अपनी राय से नहीं हटेंगे तो इसमें से 2-3 का तो डिसएडवांटेज ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब के पास है। और अगर बेंच के कमेंट्स को आप सामने रखें तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ही खुशकिस्मत हुए नवाज शरीफ साहब तो 1 डायसेंटिंग नोट इनके हक में आ सकता है। वैसे तो लगता है कि 5 रुकनी बेंच जो है शायद यूनानिमसली कल फैसला करे। अभी PMLN जो है एक मीटिंग के अंदर गई हुई है और PTI के भी रहनुमा मीटिंग के अंदर हैं। जाहिर है नून लीग जो है इट हैज बीन टेकन ऑफ गार्ड, ये भी उनके लोग मानते हैं।
और अगर वजीर आजम के खिलाफ फैसला आया और नाहली का फैसला कर दिया अदालत उज़्मा ने, तो फिर क्या होगा? हमें जो बताया गया पहले, अब वो कितना रेलेवेंट है अभी तक उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कानूनी रास्ता जो है वो लादर बेंच के सामने अपील करेंगे, वो पिटीशन भी शायद तैयार हो रही हो। लेकिन दोबारा मैं कहूंगा कि कानूनी टीम जो है नून लीग की, अगर वो ये जज करने से काफिर रही अभी तक के तीन रुकनी बेंच का फैसला होगा या पांच रुकनी बेंच का फैसला होगा, तो फिर वो कानूनी तौर पर कितनी समझबूझ के साथ नवाज शरीफ को इसके ऊपर गाइड कर सकेगी, दिस वी डोंट नो। तो एक पिटीशन लार्जर बेंच के सामने वो करेंगे, मुतबादल वजीर आजम के लिए भी आखिरी मिनट में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्मोकिंग गन था कि कल फैसला आने वाला है, और ये भी स्मोकिंग गन है कि शायद कल फैसला क्या होगा। उन्होंने बहुत जांच के, पहले कभी कमर में दर्द कभी सर में दर्द, पोस्टपोन करते रहे, और सबसे बड़ी खबर से बिल्कुल पहले चंद घंटे पहले उन्होंने अपना माइंड बता दिया, तो अब उसको बुनियाद बनाया तो फिर जाहिर होता है कि फैसला क्या आने वाला। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब। हम सीधे चलते हैं जाहिद जमील साहब के पास। जाहिद जमील साहब, पहले तो ये बातें चल रही थी कि जी ये तीन रुकनी बेंच फैसला करेगा या पाँच रुकनी बेंच फैसला करेगा, आपको हैरत हुई ये जानकर कि पांच रुकनी बेंच जो है वो दोबारा कन्वीन हो रहा है और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ही इस बेंच की सदारत करेंगे? जी सोलंकी साहब, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इट्स ऑटोनमस है, जिस तरह चाहे वो भी दे सके फैसला। मुझे जिस चीज़ की समझ ये नहीं आ रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पांच में से दो ने अगर अपनी जजमेंट दे दी है और वो नेगेटिव में दिए कि जनाब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, तो जेआईटी का फ़ायदा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जेआईटी से जो भी रिपोर्ट आनी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये आने आ सकती थी कि बेसिकली ये डिस्क्वालिफाई या क्रिमिनल इनकी कोई कन्विक्शन की प्रोसेस शुरू हो। क्योंकि अगर सपोजिंग जेआईटी में सोचें उसके बारे में कि उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि देखिए गिल्टी की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तो नहीं ना, इनोसेंस की भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अगर उसकी इनोसेंस की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो क्या जो दो जो जजेस हैं पांच में से दो जिन्होंने प्रीवियसली जजमेंट दी थी, तो क्या उनको उसको रिकन्सिडर नहीं करना चाहिए उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर? तो इससे मुझे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा कि कल जो ऑर्डर पास होता है, जजमेंट पास होती है, वो क्या होती है। तो मुझे थोड़ा सा तो इसमें ऑब्वियसली ताज्जुब लगा, क्योंकि ये बात सही थी लोगों की जो एटलीस्ट एनालिसिस कर रहे थे कि जी फंक्टस ऑफिशियो हो गया है, ये सोच थी लोगों की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 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 अब उन्होंने जो किया है उस समय देखना पड़ेगा कि उसके ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या बेसिस है। ऑब्वियसली मैंने अगेन कहा सुप्रीम कोर्ट इज ऑटोनमस और जो भी उसका ऑर्डर होगा हमें मानना पड़ेगा। सही। अली जफर साहब, अब ये सवाल नहीं है हमारे सामने कि तीन रुकनी बेंच फैसला करेगा या पाँच रुकनी बेंच करेगा, ये फैसला अब आ गया है। जो सवाल है आपसे वो ये है कि जो दो अरकान थे, जो सीनियर अरकान थे, जो अमल दरामद बेंच का हिस्सा नहीं थे, कल जब वो बैठेंगे तो क्या ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने पोजीशन 20 अप्रैल को ली थी वो उसी के साथ खड़े रहें, या जेआईटी के सामने जो मवाद आया है और जो एक हफ्ता लगा है वकला के दलाइल का, उसके बाद वो अपने मौकफ को एक तरह से दोबारा उस पर गौर भी कर सकते हैं? देखें जी, अगर तो जेआईटी का फैसला कुछ और होता या उनकी रिपोर्ट कुछ और होती, उसके बरक्स होती जो वो दो जज साहबान ने अपनी जजमेंट में लिखा है, फिर तो शायद ये सवाल का जवाब मैं कहता कि बिल्कुल वो तब्दील कर सकते हैं अपनी राय। लेकिन चूंकि जेआईटी की रिपोर्ट तकरीबन वो चीज़ कंफर्म कर रही है, उसकी वजाहत कर रही है जो कि दो जज साहबान ने अपनी जजमेंट में लिखा है, तो मुझे नहीं बिल्कुल भी लगता, 0% चांस है कि ये दो जज साहबान अपना माइंड तब्दील करेंगे। उनके तो अब जजमेंट जो है वो है, अब सिर्फ जो तीन जजेस रह गए हैं उनमें से अगर एक ने भी फैसला किया कि हम डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं जिस भी वजह से, वो वजह डिफरेंट भी हो सकती है, मुख्तलिफ वजह भी हो सकती है, तो फिर ये 3-2 जजमेंट समझा जाएगा, चूँकि ये 5 मेंबर बेंच बन गया है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मेरे अंदाज़े में अभी आप फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि शायद नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जजमेंट आएगी अगर ये एक भी जज उधर चले गए। मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो जजमेंट आए ही आएगी, कोई ऐसी जजमेंट मुझे नहीं नज़र आ रही जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाएगा कि वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और इसलिए केस डिसमिस्ड।
जजमेंट जो आने वाली है वो दो तरह की आ सकती है, लेकिन दोनों तरह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही होगी। एक तो जजमेंट ये आ सकती है कि डिस्क्वालीफाई ही हो गए वो, जो भी वजह उसकी दी जाए, और दूसरी जजमेंट ये आ सकती है कि नहीं, हम ट्रायल कोर्ट में भेजते हैं केस को। ये ट्रायल कोर्ट में भी जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर बेल लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में जाके उधर से पिटिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जो बेल पे हों, वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। सो मेरे मुताबिक दोनों केस में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ही जजमेंट जाएगी, लेकिन क्या वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई होंगे या वो ट्रायल में जाएंगे, ये हम डिबेट कर सकते हैं। बैरिस्टर जाहिद जमील साहब, बात यह है कि जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से जो माहिरीन कानून हैं वो ये कहते हैं कि ये एक पुलिस चालान ही समझ लें, ये किसी ट्रायल प्रोसेस से नहीं गुज़रा। तो जब तक जेआईटी की जो रिपोर्ट है और जो वकला के जो दलाइल हैं वो जो ट्रायल का जो प्रोसेस है उससे नहीं गुज़रती, तब तक एक हतमी फैसला कैसे हो सकता है क्रिमिनल ऑफेंसेस के वाले? आप सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, बेसिकली जब तक किसी भी चीज़ की डिसीशन किसी ट्रायल किसी एविडेंस के प्रूफ के प्रोसेस से नहीं गुजरती है, उस वक्त तक ये चलान एक समझ लें या रिपोर्ट समझ लें, ये एलिगेशंस हैं। इन एलिगेशंस को प्रूव होना पड़ेगा ताकि किसी कोर्ट के सामने किसी ट्रायल के सामने, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम खुद ही इसकी ट्रायल करना चाहते हैं, मगर मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑर्डर के अंदर कि ये भेजा जाएगा एज अ रेफरेंस, तो मेरे ख्याल में नैब को ये रेफरेंस जाएगी और उसमें इसकी डिसीशन होगी। मगर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी आती है कि इट्स, मुझे अब देखना पड़ेगा कल क्या ऑर्डर आता है, मगर ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं जीआईटी से, ये एविडेंस नहीं है। दो चीज़ें मैं नई बात अगर कर सकूँ, आप इजाज़त मुझे दें, कि जो डॉक्यूमेंट्स आए बीवीआई से वो लीगल प्रोसेस बीवीआई के थ्रू नहीं आए, उसे अटॉर्नी जनरल ने भेजा हुआ है। अगर कोई गौर करे कि आया वो उनका प्रोसेस क्या होना चाहिए एविडेंस लाने के लिए पाकिस्तान, तो आप उनके कानून बीवीआई के कानून में देखेंगे कि गवर्नर को वो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको साइन करना पड़ता है, बीवीआई के गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ऐसी कोई मवाद हमारे सामने इस वक्त नहीं है, एजी ने एक लेटर लिखा है, 7 लेटर्स अटैच किए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन है, वो उनके लीगल प्रोसेस बीवीआई से एविडेंस के तौर पे नहीं अभी तक आई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में। दूसरी बात, जो अगर आप यूई का भी देखें तो इट हैज़ टू कम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। यूई का अपना कानून है कि अगर वो सेंट्रल जो अथॉरिटी जिसने वो लेटर लिखा जो सब लोगों ने देखा हुआ है, उसको भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आना पड़ता है। तीसरी बात, आपको याद होगा कि यूके से जो कुछ आया है वो लीगल नहीं है, तो अब सवाल उठता है कि कैसे हैंडल किया जाएगा विदाउट एविडेंस एंड ट्रायल। ये अदालत उज़्मा का अख्तियार है जो भी फैसला दे, लेकिन आपको कोई हैरत हुई है कि पहले लोग ये कह रहे थे कि 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा, अब ये बात आई है कि 5 रुकनी बेंच करेगा, और ये सवाल भी आपसे कि क्या जजेस के लिए ये ज़रूरी है कि 20 अप्रैल को जिस जो उनका मौक़िफ़ था वो उसी पर खड़े रहें? जी देखें, ये तो आई थिंक बड़ा एक वाज़े कानून है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जब तक आप एक शहादत पे क्रॉस एग्जामिनेशन ना कर लें, यानी जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है वो जब तक उस शहादत के ऊपर सवाल जवाब ना कर ले, जो भी उसके खिलाफ शहादत दे रहा है, तो उसको कानून शहादत में कन्विक्टेबल एविडेंस नहीं समझा जाता, यानी उसको वो शहादत नहीं समझी जाती जिसके तहत सज़ा हो सके। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बातें हुई हैं जेआईटी में वो बहुत सख्त हैं, बहुत सीरियस रिपोर्ट है और उसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं छोड़ती वो रिपोर्ट, लेकिन फिर भी वो अभी तक रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। जी जी। तो क्रिमिनल जो एलिमेंट है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है कि नहीं, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना है, फैसला होना है उसका। वो एक एस्पेक्ट है केस का जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कल, लेकिन हम अपने अपने अंदाजे लगा सकते हैं। बट केस का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो बड़ा ज़रूरी है और उसको हम छोड़ नहीं सकते पीछे, पर्टिकुलरली जब ये 5 मेंबर बेंच बन गया है। और वो एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी फैसला कर सकती है कि हमारे सामने कोई झूठ तो नहीं बोला गया किसी पॉइंट पे भी, या कोई ऐसा दस्तावेज तो नहीं दिया गया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया गया जो फ्रॉड हो, जो फैब्रिकेटेड हो, जो गलत हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब भी ये फैसला करते हैं कि हमारे सामने किसी एस्पेक्ट पे भी
ऐसा झूठ बोला गया है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो फिर वो एक जज का फैसला उन दो जजेस के साथ मिलके बहुत सीरियस हो सकता है, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। दो एस्पेक्ट हैं केस के मेरी नज़र में। लेकिन ये जो आपने पूछा था तीन मेंबर बेंच और पांच मेंबर बेंच वाला सवाल, मैं उस पर बड़ा साफ आपको बताना चाहता हूँ कि है बड़ा ये अनयूजुअल, ये देखना में कम ही आता है कि जो जो ओरिजिनल बेंच हो वो अपना फैसला कर दे और इम्प्लीमेंटेशन बेंच एक डिबेट सुन ले, एक बहस सुन ले जीआईटी रिपोर्ट पे और फिर पांच मेंबर्स बेंच इकट्ठे बैठ जाएं। तो ये है तो बड़ा अनयूजुअल, लेकिन इस केस में काफ़ी नए और गैर मामूली चीज़ें तो आई हैं देखने में सामने। जीआईटी भी मेरा ख्याल है पहली बार ही हमारी ज्यूरिसप्रूडेंस में बनाई गई है। तो ये केस चूँकि एहतसाब का है, ये केस पॉलिटिकल है, इसमें सोशल एंगल्स भी हैं, तो इस वजह से इसमें मेरा ख्याल है इनोवेशंस हो रही हैं जो कि एक मंजिल की तरफ, चूँकि हम गामजन हैं तो उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल है ये सारे काम ज़रूरी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमने एहतसाब के इस सारे सफ़र को ऐसा बनाना है कि वो साफ शफाफ भी रहे, उसमें इंसाफ का तकाजा भी पूरा हो, आइन का भी पूरा हो, लेकिन साथ साथ एहतसाब भी हो। ये अब हमने कल देखना है कि ये अचीव होता है कि नहीं। जाहिद जमील साहब, जे कल जो फैसला है वो इस हवाले से आप ज़रूर हमें बताएं कि जो नाहली के हवाले से अगर फैसला है तो इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अदालत ये समझती है कि उनके सामने झूठ बोला गया है या परजरी की गई है, तो उसके लिए फौरी तौर पर बस फैसला सुना दिया जाएगा, कोई शॉर्ट आर्डर आ सकता है कोई, या तफसीली फैसला होगा, क्या इम्कान है? ये अच्छा सवाल है सोलंकी साहब। हम तो सिर्फ एनालाइज़ कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस दे सकते हैं, मगर अगर आप ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देखें उसमें जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन को कंसिडर करते हैं तो हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं और हम रिस्पोंडेंट वन यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को समन भी कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, ना कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर इसमें देखा है, ना हमने कोई सुना है कि उनको समन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि या तो उनको ऐसी मवाद मिल गई है जिसमें जो अनडिस्प्यूटेड है, जो दोनों साइड ने एग्री किए कि बेसिकली इसको हम एडमिट करते हैं, जिसमें कोई तजाद नहीं है, जो प्रूव्ड है, और उस बेसिस पे अगर डिसीजन ली जाती है कि जी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो वो तो एक बात हो गई, वरना अगर कोई चीज़ जो है उसमें अभी तक प्रूफ नहीं आया, उसमें डिस्प्यूटेड है, उसकी ट्रायल होनी है, उसमें अभी तक कन्विक्शन नहीं आ सकेगा, तो फिर उस बेसिस पे तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन में ख्याल में प्रीमैच्योर होगी। तो हमें देखना पड़ेगा, और मैं अली जफर साहब से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि अगर उन्होंने कल किसी पॉइंट पे कन्विक्ट किया, जिसकी मुझे जो देखना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही इस वक्त जो अनडिस्प्यूटेड है, तो देखना, क्योंकि जेआईटी का कहना अनडिस्प्यूटेड नहीं होता, वो अदर साइड को भी मानना पड़ता है, और अगर नहीं माने तो फिर ट्रायल करनी पड़ती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है कल, किस तरफ जाती है सुप्रीम कोर्ट, मगर मैंने आपके सामने एनालिसिस जो है वो पेश कर दिया। बैरिस्टर अली जफर साहब, जब 20 अप्रैल का फैसला आया और जब जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे तो उसमें ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा हम फैसला देंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा, आपको लगता है कि इसी तरह का फैसला होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा? देखें जी, फैसला के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। फैसले तो बहुत सारे हैं जो हमारे बड़े अच्छे भी समझे जाते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अब हम उनको अपने जब हम बहस कर रहे होते हैं तो उनको हम कोट भी नहीं कर सकते, उन पर हम किसी किस्म का इन्हसार भी नहीं कर सकते। लेकिन ये फैसला जो अभी तक आया है इसमें काफ़ी अभाम थे, इसमें काफ़ी इश्यूज थे। अब जो आने जा रहा है, जो महफूज किया गया है और जो अब कल अनाउंस होगा, ये ज़रूर मेरा ख्याल के मुताबिक हिस्टोरिकल फैसला होगा, और इसमें जो जो भी डिसीजन हुई वो उसके बहुत दूर अंदेश जो हैं उसके रिजल्ट होंगे। हम एक बहुत बहुत उसका इफेक्ट होगा जो मेरा ख्याल है। जी, हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
अवाम में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद साहब। जस्टिस साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज़ आ रही है। जी जैसे नासिर असलम जाहिद साहब, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जेआईटी रिपोर्ट आ गई, लोगों ने पढ़ी, उसके बाद हफ्ता भर दलाइल का तबादला भी हुआ। ये ज़रा बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम हैं दो तरह के, क्रिमिनल ऑफेंसेस के भी और 62 और 63 के हवाले से, दोनों सूरतों में क्या अदालत उज़्मा खुद कोई फैसला कर सकती है या आपके ख्याल में कुछ जो ऑफेंसेस हैं या जो इल्ज़ाम हैं उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा और कुछ के बारे में फैसला खुद कर सकती है? पोजीशन ये बनती है कि जो जीआईटी की रिपोर्ट है ये इसकी हमें आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे तो आवाज आ रही है आप। जी जी, आप जरा दोबारा कहिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई जुर्म होता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो उसके बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो ये देखना चाहती है कि ये रिपोर्ट जो है इस पर जो टैक्स लिखे हैं सही है या नहीं है, क्या है, वो जाती है उनके बयान रिकॉर्ड करती है जिनको देते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी पार्टी के वकील तो मौजूद होता नहीं। तो ये किस्म की ऑपरेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके फैसला होता है इसमें हाई केसेस होते हैं, जिसमें मुर्तजा भुट्टो का केस था और केसेस थे हाई प्रोफाइल केसेस में, क्योंकि पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत प्रोफाइल केस होता है, तो उसमें अगर खाली पुलिस से कहा हुआ कि शायद वो किसी के प्रेशर में आ जाए, तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की जगह वो कहते हैं कि एक किसी को अपॉइंट कर देते हैं या कोई कमीशन या कोई कमिटी बना देते हैं कि भाई तुम इंक्वायरी करो। अब ये जो इंक्वायरी है ये वन साइडेड इंक्वायरी है, इन द सेंस कि उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, वकील नहीं होते, आ जाए और है, लेकिन कोर्ट का तो ये प्रोसीजर है ना कि जब गवाह आता है तो गवाह के पहले बयान की कॉपी जो उसने पुलिस को दी है वो पार्टीज को सप्लाई कर दी जाती है, फिर वो उसे जब बयान हो जाता है वहां कोर्ट के सामने तो फिर उसको जरा करते हैं जिसे हमें क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन इसमें तो जो ये बयान आए हैं इसमें जो जीआईटी के सामने उसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं है, जो भी पार्टीज हैं उनके वकील तो मौजूद नहीं थे, तो इनका स्टेटस जो है, मेरी अपनी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ कि ये जो जिसका स्टेटस जो है ये इन्वेस्टिगेशन यही होता है कि हाई प्रोफाइल केसेस भी क्योंकि इनका ख्याल है कि बहुत हाई प्रोफाइल केस है इसलिए कोई हायर बॉडी जो इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दे देती है। ये साइडेड रिपोर्ट है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है विटनेसेस का, पार्टी जब वो केस चलता है तो जो बयान पुलिस को दिए जाते हैं उसकी कॉपी भी दी जाती है एक्यूज को ताकि वो तैयार कर सके क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर अपने गवाह पेश कर सके। जी जी। तो ये एक किस्म का हाई प्रोफाइल केस में ये रिपोर्ट पे आप ये समझते हैं कि इस सूरत हाल में अदालत शायद किसी और ट्रायल कोर्ट की तरफ ये भेज देगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, 10 साल में 5 साल में एक केस आएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो भेजे, नॉर्मली तो वो भेजेगी किसी को कि भाई इसका इसको देखो, इसके एविडेंस रिकॉर्ड करो, पार्टी इसको अपॉर्चुनिटी दो ताकि उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सकें, अगर वो चाहे तो खुद भी आर्टिकल 184(3) में खुद भी हाई प्रोफाइल बहुत केस है, तो अगर वो चाहे तो खुद भी सकते उसमें जो बहुत 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 शुक्रिया नासिर असलम साहब। आपके फ़ोन में भी कुछ मसला था, आपकी आवाज़ पूरी तरह से साफ नहीं आ रही थी। यही सवाल जाहिद जमील आपसे कि
जो दस्तावेजात और जिस तरह से नासिर असलम जाहिद भी बता रहे थे, तो क्या ये जो फैक्ट्स हैं ये गैर मुतनाज़ा हैं? और अगर गैर मुतनाज़ा नहीं हैं, अगर ये डिस्प्यूटेड हैं, ये मुतनाज़ा अगर फैक्ट्स हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस पर कोई कन्विक्शन कर सकती है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि नाअहली का भी जो सवाल है, इसका फैसला अदालत उज़्मा ख़ुद कर सकती है आइन की रूह से? सोलंकी साहब, पहले इन चीज़ों को दो अलग करते हैं। जो क्रिमिनल चार्ज और नैब और उस तरह के मसाइल हैं, अगर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, उस पर एफआईआर कटनी हो, तो ये सारे ऑर्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये एक अलग चीज़, इसको ज़रा एक इसको एनालाइज करते हैं एक तरफ। तो जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है ना जी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ कि हमें नज़र आई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी, तो हम एक रेफरेंस डालने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। वो रेफरेंस कहाँ जाएगी? वो नैब जाएगी। तो बेसिकली जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है इस केस का, अगर उसमें कोई नैब से रिलेटेड कोई इशू है या कोई और एफआईआर कटनी है, तो वो मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, कि उसके अंदर उन्होंने अपना माइंड एक तरह से जजमेंट में भी दे दिया है कि ये मामलात जो हैं ये रेफरेंस वगैरह जाएगी नैब के थ्रू, नैब कोर्ट के अंदर, और वहाँ ये प्रोसेस कंटिन्यू का। प्रॉब्ली यही जेआईटी कंटिन्यू करेगी, जो करना चाहिए इसी जेआईटी को। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरी चीज़ है, क्योंकि और एक और आपके सवाल का जवाब कि उसमें जो जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं जेआईटी के, वो कोई एडमिटेड नहीं है, वो प्रूवन नहीं है, वो अभी तक एविडेंस में नहीं आए, वो इन्फॉर्मेशन है, वो चलान का हिस्सा है सिर्फ। अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ। डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आप दो ऑप्शन हैं, 62F के जरिए या तो कोई कन्विक्शन आए किसी कोर्ट की जिसकी बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आए, या जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, जहाँ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स होती हैं, जहाँ कोई फैक्ट डिस्प्यूट में ना हो, जिस पर क्रॉस एग्जामिन करने की ज़रूरत ना पड़े, एडमिटेड फैक्ट हो, तो उस पर वो अपनी डिसीजन दे देती है कि जनाब हमने समझा कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं। इस मामले में ये मेरा अपना एनालिसिस है, अब पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। मेरे ख्याल से इस वक्त अनलेस कोई परजरी की कन्विक्शन कल के जजमेंट में आए, मेरे ख्याल से कोई ऐसी पेमेंट नज़र नहीं आई, कोई पेमेंट रिसीट की एविडेंस नहीं दी गई है जिसके तहत ये कहा जाए कि जनाब आप डिस्क्वालिफाई होते हैं, उसको किसी जगह ट्रायल के लिए भेजना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं सर, अगर आप अलाउ करें मुझे, कि ये बात कहती है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। सवाल उठता है कि जी आप अपने एसेट्स के बियॉन्ड, जो आपके एसेट्स हैं वो आपकी सोर्स से बियॉन्ड है, ये भी जो इशू है ये 62-63 के मद में नहीं देखा जाता। ये जो चीज़ देखी जाती है या तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू देखा जाएगा, क्योंकि उसमें रिवर्स बर्डन है, या फिर नैब ऑर्डिनेंस में दिया जाएगा क्योंकि उसमें रिवर्स बर्डन है। मगर वो दोनों चीज़ों के लिए आपको उन दोनों फॉर्म्स में ये केस भेजना पड़ेगा, वहाँ ट्रायल होगी, वहाँ डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बर्डन को डिस्चार्ज करे। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे इधर होगा। एक और छोटी सी बात, अस्यूम करें सोलंकी साहब कि जेआईटी की रिपोर्ट इनोसेंट आ जाती, जेआईटी कहते हमारे पास एविडेंस नहीं आया, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ये कहने के लिए कि यहाँ जो है या तो डिस्क्वालिफिकेशन या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उस सूरत में क्या होता? ये अभी तक मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खटकरा रही है कि कैसे ये प्रोसेस होगा। रिमेंबर, क्रिमिनल जो लीगल प्रोसेस होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, जो लीगल प्रोसीजर होता है वो फैक्ट्स और रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो अस्यूम करें अगर जेआईटी रिपोर्ट इनोसेंट आ जाती, तो क्या ये रिपोर्ट वापस 5 मेंबर बेंच के सामने रखी जाती और वो जो दो जजेस हजरात हैं उनको ये कंसिडर करना नहीं होता? तो ये कुछ इसमें ये जो अभी समझ नहीं आ रही है, हो सकता है कल क्लियर हो जाए उस जजमेंट से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब। जाहिद जमील साहब ने तो बहुत सारे बाल जो है वो हवा में उछाल दिए। बैरिस्टर अली जफर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? आपकी आवाज थोड़ी सी आई थी, फिर एकदम कट गई। मैं ये कह रहा था कि अगर वॉल्यूम ऊंचा हो जाए तो मुझे आवाज आ जाएगी आपकी। जी, जाहिद जमील साहब ने तो बहुत सारे गेंद हवा में उछाल दिए हैं इस केस के हवाले से, आप भी उसी तरह से समझते हैं? मैं तो इसको थोड़ा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, थे कि हम सबका व्यू तकरीबन एक ही है, और वो ये है कि जहाँ तक तो ताल्लुक है क्रिमिनल ट्रायल का, करप्शन की बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, वो तो शायद चूंकि ऑल्दो गवाही शहादतें बहुत सारी हैं, लेकिन वो लीगल गवाही अभी चूंकि नहीं बनी, उसने ट्रायल में जाना है तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट उस एस्पेक्ट को ट्रायल कोर्ट में भेज दे। लेकिन कलामी की माफी क्या ये जो क्रिमिनल जो वो ट्रायल है अदालत उज़्मा खुद कर सकती है? ये जो क्रिमिनल हवाले से जो
जेआईटी जिसको मेरे मुताबिक खुद सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ट्रायल कोर्ट बन जाए। वो आर्टिकल 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन इस वक्त जिस केस समाप्त हो रही है वो आर्टिकल 184(3) का है, उसमें ट्रायल नहीं होती किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी या किसी की सिविल लायबिलिटी पे, कोई किसी किस्म का शहादत नहीं ली जा सकती, ना उस पर फैसला किया जा सकता, ये मेरी राय है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं, मैं आपको 12-13 जजमेंट्स काउंट कर सकता हूँ जिसमें कोर्ट ने ट्रायल के बगैर डिस्क्वालिफिकेशन कर दी हुई है। और ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ देखे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये फैसला करें कि उसके बेसिस पे हमें झूठ बोला गया है। जिस तरह आपने दो जज साहिबान जो खोसा साहब हैं और गुलजार साहब हैं जी जी, उन्होंने ट्रायल के बगैर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया इस बेसिस पे कि हमारे सामने साफ साफ झूठ बोला गया है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो इन तीनों जजों में से भी कोई भी ये फैसला कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन जहाँ तक ट्रायल का ताल्लुक है, क्रिमिनल ट्रायल का, वो तो मुझे कम से कम मेरा काफ़ी यकीन है कि कानून ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट में ही मैटर को जाना चाहिए। और ये भी आपने सुना अपने एक्सपर्ट्स को सबको, आई थिंक हमारी जो वकला बरादरी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी राय तकरीबन ट्रायल कोर्ट के मामले में काफ़ी यूनानिमस है जी जी, मुतफक्का है। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये जो आप कुछ केसेस का हवाला दे रहे थे जिसमें अदालत उज़्मा ने बराह रास्त आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालीफाई किया है, लेकिन क्या उसमें कुछ गैर मुतनाज़ा हकायक थे, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे या डिस्प्यूटेड फैक्ट्स भी थे? नहीं, वो सारे जो मैटर्स हैं उसमें अनडिस्प्यूटेड एक तरह से फैक्ट्स थे काफ़ी, यानी उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के व्यू के मुताबिक कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं थी, कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी। वो मिसाल के तौर पर आपके पास दूरी शहरियत है, मिसाल के तौर पर आपके पास जाली डिग्री थी या इसी तरह की बात होगी ना? जी जी बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक 16 साल का बच्चा इलेक्शन लड़के जीत जाता है जी, और दूसरा आदमी उसको आके कहता है कि जनाब ये तो 21 साल के हैं ही नहीं, हाँ। ये 16 साल के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, और उनकी वो देखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में जी। जब बर्थ सर्टिफिकेट, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला कर सकते हैं कि जनाब आप तो डिस्क्वालीफाइड हैं। जी मेरे ख्याल से सोलंकी साहब, देखिए अगेन क्रिमिनल के अंदर तुम्हें पता है कि ट्रायल पे जाना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन में मैं थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़ हूँ। फ्रेंकली मेरी ओपिनियन यही है कि उसके, मैंने जो एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनमें कोई अनडिस्प्यूटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जो चीज़ होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि या तो नवाज शरीफ साहब की किसी ओनरशिप को जो वो खुद ओन करते हैं शो कर दिया जाए अनडिस्प्यूटेड, या फिर कोई ऐसी पेमेंट जो उन्होंने रिसीव की हो, जो जिसकी कोई बैंक अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन जेआईटी लेके आई है या कोई पेमेंट उन्होंने रिसीव की है जो अनडिस्प्यूटेड है, तो लिहाजा उस तौर पे जो है 62-63 जो है उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन में ख्याल में हो सकती है। मगर इस वक्त मेरे सामने, मेरे एनालिसिस के तौर पे इस तरह के कोई फैक्ट्स नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कोर्ट कल कुछ और कह दे, उनका तो जजमेंट बाइंडिंग है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जाहिद जमील साहब, आपका भी, बैरिस्टर अली जफर साहब आपका भी। अब देखेंगे कि कल अदालत उज़्मा क्या फैसला देती है। जो भी फैसला आएगा, तमाम फरीकें ने कहा है कि हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो गहरे बादल थे पाकिस्तान की सियासत पर वो कल के बाद छटेंगे और कुछ वजाहत आएगी ताकि ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। मुर्तजा सोलंकी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।